हाँ गुरु, हम लड़कियों पे फूल मारेंगे और फूल के बदले अगर वो हमें मारने की कोशिश करे तो हमें मार खाने से बचा लेना। ये कोई नई बात थोड़ी है। आओ। हम इस गली पर चंपा कली फेंक कर इसकी दिल की गली में घुस जाएंगे। अरे बड़े बत्ती भी रहते हैं, अकल आएगी नहीं? आओ, अकल है तभी तो फूल मारा है, नहीं तो पत्थर नहीं मारता। और कैसा लगा मेरा डायलॉग? तेरा डायलॉग इतना बस रहता है जितना तेरा मुंह। आओ आ, आ, आओ तत्तू रे, देखो मोटा परोठा चला रहा है। इसकी छोटे फूल से तसल्ली नहीं होगी, इसे तो भारी भरकम गुलदस्ता चाहिए। बदमाश कहीं का, दांत तोड़ दूंगी। आओ, दांतों को गिर जाने दो, मुझे सिर्फ अपनी फौलादी बाहों में उठा लो। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? बिल्कुल बेहुदा। आओ आओ कटोरे, हमारे गांव की रानी आ रही है, हम इसको फूलों की माला डालेंगे। आओ आओ। होश में तो हो? ठीक है ना तबीयत? अरे मेरी तबीयत में तुम्हारी मोहब्बत है, अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से मिल जाए तो ये मेरी किस्मत है। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? अगर मैं तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारूं तब कैसा लगेगा तुम्हें वो थप्पड़? आओ घमंडी लड़की, तुमने कामेश का अपमान किया है, अब देख मैं इस अपमान का तुमसे किस तरह से बदला लेता हूँ। क्या करेगा, मेरा गाँव आना, रघुवीर चाचा से कहकर इतनी पिटाई करूंगी कि साल भर टूटी हुई हड्डियाँ लेकर हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। इसीलिए मैं तुम पर हमला नहीं करूँगा, मेरा चेला कालू कलंक कलकत्ते वाला कसाई है, वो तुम पर हमला करेगा, वो तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा और मैं उसे भून भून कर आऊ खाऊंगा। ऐसा वो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तुम अपनी खैर मनाओ। दादी माँ। अरे क्या हो गया, बोलना। दादी माँ, वेद और पुराणों में भक्त शबरी के बारे में लिखा है जो बहुत दयालु थी, आप भी बिल्कुल उसके जैसी दयालु है। अरे अरे कैसी बात है, कैसा कहाँ शबरी कहाँ मैं, भला मेरा उसका क्या मुकाबला? कैसी बातें करती हो दादी माँ, वो शबरी और मेरी इस दादी माँ में कितनी आदतें मिलती जुलती है। वो शबरी अपने राम के लिए फल इकट्ठा करती थी और ये मेरी दादी माँ अपने कमेश के लिए धन इकट्ठा करती है, करती हो ना दादी माँ? अरे मेरे शैतान पोते, मैं सब समझती हूँ, शबरी फल इकट्ठा करती थी, मैं भी तुझे फल खिलाती हूँ, खा और जा। दादी माँ देख मुझे तंग ना कर, मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसों का लेन देन और रखवाली रघुवीर के पास है, उन्हीं के पास जा, उन्हीं से मांग। बुढ़िया तू, बुढ़िया नहीं खड़ी हुई चिड़िया है, तू चाहती है कि मैं रघुवीर के पास जाकर पैसों के लिए झगड़ा करूं और वो मुझे धक्के मार मार के निकाल दे। बुढ़िया पैसे लूंगा तो तुझसे लूंगा और अभी लूंगा, नहीं जाएगी तो इतना मारूंगा लाठी से, इतना मारूंगा कि तेरी तेरी कमर सीधी हो जाएगी, सीधा मुझे पहुंच जाएगी। दे 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 दे। देख बेटी, ये मुझे जान से मार डालना चाहता है। नहीं ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था मेरी ये लाठी मजबूत है या बुढ़िया का सर। नहीं आती अपनी दीदी पर हाथ उठाते हुए, ये तो दिन भर आवारा गति करते हो, ये एक पैसा कमा कर नहीं ला सकते हो और ऊपर से बेचारी बुढ़िया पर जुलम करते हो। मैं अभी रघुवीर चाचा से तुम्हारी शिकायत करती हूँ और वो पुलिस से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें जेल में डाल देगा। पुलिस नहीं, ऐसा मत करना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आइंदा मैं अपनी दादी माँ को भगवान की तरह पूछूंगा। दादी माँ ऐसी दादी माँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दादी माँ मुझे मुझे भूख लगी है, तो चल मैं खाना देती हूँ। चल एक बात तो बताना भूल ही गया। कौन सी बात बेटा? रात को मेरे सपने में दादाजी आए थे। हाय राम। हाँ वो बोले कि वो चांदी की थाली में खाना खाया करते थे जिसके बीच में सोना लगा है। मुझसे बोले आज से तू उसी चांदी की थाली में खाना खाया कर। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आज मैं तुझे उसी थाली में खाना दूंगी। जय हो चांदी की थाली। अब दादी माँ जब मैं चांदी की थाली में खाना खाने के लिए तैयार हूँ तो बिल्कुल दादाजी नहीं लगते? अरे बेटा क्या कहते हो, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही लगते हो, वो भी चौकड़ी मार के ऐसे ही बैठते थे, इसीलिए मैंने उनके पसंद की सारी चीजें बनाई है। उन्हें आलू दम बहुत पसंद थे, वो भी बनाए। उन्हें बैगन का भरता बहुत पसंद था, वो भी बनाया। और उन्हें बघाड़ी हुई दाल बहुत पसंद थी, वो भी बनाई। और उन्हें दही बहुत पसंद था, ये लाई हूँ ले। आऊ और दादी माँ मुझे चांदी की थाली बहुत पसंद है। क्या? हाँ और मैं इसे बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे क्या कर रहा है? आऊ अरे पापी क्या कर रहा है? आऊ हम जा
मुझको रिहा करने आए हो ना, मैं जानता था, क्योंकि जब आजादी के सिपाही चंद्रशेखर, भगत सिंह, महात्मा गांधी जेल में थे तो देश में इनकलाब आ गया था। लोग उनको आजाद कराने के लिए सीने पे गोलियां खा रहे थे। गवर्नमेंट के तंबू में घबराहट पैदा हो गई थी। इसलिए अगर तुम इस शेर को आजाद ना करते तो देश में फिर से इनकलाब आ जाता। गोलियां चलती, लाशों का ढेर लग जाता, आग लगती, स्ट्राइक हो जाती, न जाने क्या से क्या हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। आई? चलो, वो तो राम बाबू ने तुम्हारी जमानत दे दी, इसलिए तुम्हें छोड़ा जा रहा है। राम बाबू? हाँ, चलो। इंस्पेक्टर, आज के बाद पुलिस को एक बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, आओ, कि देश का यह मर्द मैदान अकेला नहीं है, इसके पीछे वकीलों की लाइन लगी हुई है इसका केस लड़ने के लिए। राम बाबू, हम दोनों एक ही गांव के हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि आज मुझे जमानत पे छुड़वा लिया। अगर भगवान ने चाहा, और जरूर चाहेगा, कि कल को आपको जेल हो जाए तो मैं आपको जमानत पे छुड़वाने आऊंगा। जी नहीं, आइंदा आप अगर ऐसी हरकत ना करें तो मुझ पर और गांव वालों पर बहुत बड़ा एहसान हो। वो तो है ही, लेकिन राम बाबू, ये केस मुझ पर बनाया गया है कि मैं बाजारी औरतों के पास जाता हूँ। पुलिस से भयंकर गलती हुई है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं सिर्फ अच्छी लड़कियां खराब करता हूँ, जो खराब हो चुकी हो उनको तो छूता तक नहीं। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? अपना ये डायलॉग रघु चाचा को सुनाना, वो डंडे से तुम्हारी मरम्मत करेंगे। रघुवीर, तुम अपने खानदान के नाम पर पत्तुमा दाग हो। तुमने सिर्फ अपने खानदान ही नहीं बल्कि पूरे गांव के मुंह पे थूक दिया है। अपनी बदनामी के गालक उसके मुंह पे पोती है। अगर ऐसी बात है तो निकाल दो मुझे गांव से बाहर। मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मैं इस गांव की गालक अपने मुंह पे पोत के निकल जाता हूँ। जब तक तुम्हारी दादी जिंदा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस बुढ़िया ने सारी जिंदगी मन और तनो असली की खाया है, बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाली। चाहे कहीं का मेरे मरने की राह देख रहा है, याद रख तुझे पुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर जायदाद का फैसला ना हुआ, मुझे मेरा हिस्सा ना मिला, मैं इस गांव पर अत्याचार करूंगा, लोगों को सताऊंगा, सोतों को उठाऊंगा, उठाऊ का गिराऊंगा, लोगों में आहाकार मच जाएगी, और फिर वो मेरी शिकायतें ले लेकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम मजबूर होकर मेरा हिस्सा मुझे दे दोगी। अगर ऐसा ना हुआ मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आओ धतूरे। हाँ गुरु। चल चल गांव चल कर बदमाशियां शुरू करते हैं। अरे ये कौन सा नया काम है तुम्हारे लिए गुरु? चल बे। गुलगुले। हाँ गुरु। हमने रघुवीर चाचा को जायदाद का फैसला करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी थी जो पूरी हो गई। जब तक पाप की उंगली को टेढ़ी करके शराफत के डब्बे में ना डाला जाए तो घी बाहर निकलता ही नहीं। अब हम अपनी कार्रवाई जलजले की तरह शुरू करते हैं और सारे गांव को बर्बादी के सैलाब में डुबो देते हैं। वो कैसे? जैसे पुराणों में राक्षस किया करते थे। वो क्या किया करते थे? राह चलते हुए ब्राह्मणों का जीना हराम कर देते थे। पाप की देवी को शरीफ इंसानों के खून से नहलाया करते थे। जवानों कुंवारी लड़कियों की इज्जत लूट लिया करते थे। क्या मतलब? मतलब बलात्कार, रेप। आओ गांव की कोई कुंवारी लड़की न बच न पाए। आओ वो देखो जिंग जिंग जमेली आ रही है। अब मैं इसकी जवानी कैसे लूटता हूँ। ठहरो मेरी जिंग जिंग चमेली, मैं तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा। बलात्कार? ये कौन सी कार होती बाबूजी? कार नहीं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में मजबूती के साथ पकड़ूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी जवानी को लूट लूंगा, तुम्हारे नरम नरम होठों को चूस लूंगा, तुम्हारी आंखों में डूब जाऊंगा। सर, आओ। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत को लूट लूंगा। हाय तो लूटो ना, मैं तो मुद्दत से इस दिन का इंतजार कर रही थी, मेरी आंखें तो कब से तुम पे लगी हुई थी। चल उधर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। लगता है ये लड़की को समझी नहीं है। अरे मैं सब समझ गई हूँ और अब तुझे भी समझाऊंगी। अरे मेरे राजा, राजा हे परम पूज्य सूर्य देवता, कष्ट का निवारण, मुझे मुक्ति दे, मुक्ति दे प्रभु, मुक्ति दे। आओ जमूरे। हाँ गुरु। वो देखो पुजारियों का सरपंच
पूजा कर रहा है तो मैं इसके कूल्हे पे जाके लात मारूंगा। अरे ऐसा अनर्थ मत करना गुरु, महापुरुष की पूजा भंग करना महापाप है। अबे चुप, अगर मैं ये पाप नहीं करूंगा तो रघुवीर चाचा तंग नहीं होंगे और मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो गुरु देरी मत करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हे अष्ट देवता, मुझे क्षमा करो, निर्वाण दो, मुक्ति दो, मुक्ति दान करो, ओ मुक्ति दान। डिंका 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 डिंका, वो भी हूँ, सर्वनाश हो जाने दो, तू नरक में जाएगा। वही तो जाना है। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे कूल्हे पे लात मारी। तुम्हारे कूल्हे पे लात मारना मेरा कर्तव्य है, हर रोज मारूंगा। मैं रघुवीर चाचा से इसकी उल्हाना करूंगा। वही तो मैं चाहता हूँ, करो। क्या लात मारी, क्या लात मारी, कटोरे। हाँ उस्ताद, मैंने गांव के पुजारियों के सरपंच के कूल्हे पे कैसी लात मारी। क्या बात है उस्ताद, ऐसे उड़ के गया जैसे हवाई जहाज जाता है। अब वो मेरे जुल्म की कहानी रघुवीर चाचा को सुना रहा होगा, गांव के सारे पुजारियों में हाहाकार मच गई होगी और रघुवीर चाचा मेरी जायदाद का हिस्सा देने मुझे आ रहे होंगे। वो देखो, गांव के सारे पुजारी आ रहे हैं। लगता है संस्कृत में मुझे कुछ गालियां दे रहे हैं। दो, आओ आओ। प्रभु, आप मनुष्य नहीं है, भगवान है। इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप है। 14 साल से मैं इस कमर के दर्द के मारे दिन रात तड़पता था। बड़े बड़े हकीम, वैद्य, डॉक्टर हार गए, मगर आपकी एक परम पूज्य लात ने मेरा बेड़ा पार लगा दिया। मैं धनुष की तरह टेढ़ा था, बाण की तरह सीधा हो गया। प्रभु, ये दूध की श्रद्धांजलि आपके चरणों में अर्पित है, स्वीकार करो। स्वीकार करो पुजारी, मैंने तेरे कूल्हे पे लात मारी, तू मेरे को गालियां देने के बजाय मेरी बड़ाई कर रहा है। इसका मतलब तूने रघुवीर चाचा से मेरी कोई शिकायत नहीं की? हर हर महादेव, मैं आपके विरुद्ध उल्हाना करूं, मेरे मुंह में कीड़े पड़े। आप गुरुदेव हैं, आप महान हैं, बाबा गोरखनाथ हैं। इधर देखिए, इस लंबू शास्त्री को देखिए, ये भी मेरी तरह रोग से पीड़ित है। अपनी इस परम पूज्य लात से इसका भी कल्याण करो, इसका उद्धार करो। नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अच्छा दीदी, मैं कॉलेज जाती हूँ, सर्टिफिकेट लाना है। धीरे से जाना, खटिया ना मैं होए भावरा। आओ ललिता, तुम यहाँ? मैं जाग रहा हूँ या कोई सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं, हकीकत है। आओ, तुम गांव से चलकर इस शहर में मेरे घर में मेरे पास आई हो, किस लिए? मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। मुझसे? पूछो पूछो पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई? शादी? हाँ, करोगे मुझसे शादी? ललिता, हो सकता है मैं देखने में बेवकूफ लगता हूँ, पर इतना भी बेवकूफ नहीं कि जो तुम कहती जाओ वो मैं मानता जाऊं। मैं बहुत हरामी और सुअर आदमी हूँ, मुझसे खेलने की कोशिश मत करना। तकदीर मुझसे खेल रही है कमेश, जो तकदीर के हाथों खिलौना बन जाए वो किसी से क्या खेलेगा। तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगे। आगे एक शब्द नहीं बोला, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ललिता, तुम बोलो तो मैं पुल से कूद के दरिया में जान दे दूँ, तुम बोलो तो मैं छत से कूद के नीचे जान दे दूँ, तुम बोलो तो मैं सोडे की बोतल के अंदर घुस के जान दे दूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ ललिता, मगर एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले सुन लो कामेश, मैं तुमसे तुम्हारे गुजरे हुए कल के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, और ना ही तुम मुझसे मेरे गुजरे हुए कल के बारे में कुछ पूछोगे। आओ, मुझे सिर्फ फूल की खुशबू से मतलब है। फूल लगाया किसने, उसे पानी किसने दिया, उसका मालिक कौन है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ललिता, मुझे सिर्फ तुम्हारे आने वाले कल की परवाह है, जो गुजर गया उसकी नहीं। खतूरे, शहीद 7 साल की जेल काट कर आ गया। गुरु आजादी मुबारक हो। आओ, तू मेरा सच्चा वफादार चमचा है। मेरी धर्म पत्नी भारत की नारी मुझे लेने नहीं आई, लेकिन तू आ गया।
गुरु, ललिता यहाँ एक ऑफिस में काम कर रही है। कटोरे, ललिता यहाँ है, आओ तो खींचो रिक्शा उसके पास। आओ गुरु, वो रही। आओ। तुम क्यों, झटका लगा? तुम जेल से आजाद कब हुए? तुम शायद मेरी आजादी की तारीख भूल गए, लेकिन पुलिस नहीं भूले। चलो घर चलें। ये ऑफिस है, कोई गड़बड़ मत करना। देखो तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी, मुझे काम करने दो प्लीज। क्या काम करेगी? पति 7 साल के बाद जेल से रिहा होकर आया और पत्नी उसका स्वागत करने के बजाय कहती है काम करने दो। देखो ललिता, सीधी तरह से घर चलो, वरना अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो मैं ऑफिस की मैं बॉस को खबर करके आती हूँ। दोस्तों, पति बनना मुझसे सीखो। अगर अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखना है तो उसे कभी कभी डांटो, गाली दो, मारो, चाहे उसका कसूर हो या ना हो। आओ आओ आओ। सौदा गोली सौदा। आओ ललिता, ये किस्मत भी कितनी हरामी है। 7 साल पहले तुम खुद मेरे पास आई, मुझसे शादी की, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी बाहों की जेल में कैद कर लेता, इस जालिम भगवान ने मुझे पुलिस की जेल में कैद कर दिया, मुझे निकम्मा बना दिया। मूंगफली थी, मुझे तुम जैसी कली चाहिए, मुझे तुम्हारी भूख है, आज मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें पीऊंगा। आओ आज हम दोनों अभी इसी वक्त दिन में सुहागरात मनाएंगे। मम्मी 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 मम्मी, कबाब में हड्डी? बेटा, जब किसी पड़ोसी के घर में जाते हैं ना, तो मम्मी टम्मी रम्मी नहीं बोलते, मुझे अंकल बोलते हैं, इनको अंटी बोलते हैं, जैसे घंटी वैसे अंटी। बोलो मम्मी ये कौन है? आओ फिर मम्मी। अबे अंकल बोल, अंटी बोल, बंदर के। मेरे घर में मुझे डांटने वाले तुम कौन होते हो? तुम ही बंदर हो। आओ भड़क गई, ये तुमको माँ क्यों कह रहा है, चक्कर क्या है? देखो इस वक्त मुझे बहुत चढ़ी हुई है, सीधे से बोलो वरना बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। बोलो। मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ, तुम चुप खड़ी हो पुतले की तरह? ये तुमको माँ क्यों कह रहा है, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। बेटा? गोद लिया इसको? नहीं, मैंने इसे जन्म दिया है। तुम जन्म कैसे दे सकती हो? 7 साल तक मैं जेल में था, सुहाग रात हमने मनाई नहीं, मैंने तो सिर्फ तुमको मंगल सूत्र पहनाया था, तुम सिर्फ मेरी बीवी बनी थी। बोलो तुम मां कैसे बन गई? मेरे जाने के बाद इतने दिन किसके साथ गुजारे तुमने? तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारा मंगल सूत्र पहनने के बाद मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। इसका मतलब है मंगल सूत्र पहनने से पहले ही पाप कर लिया था। कमिश, शायद तुम्हें याद होगा, शादी से पहले मैंने तुमसे वादा लिया था कि ना तुम मेरे गुजरे हुए कल के बारे में कभी पूछोगे और ना मैं तुम्हारे कल के बारे में पूछूंगी, इसलिए तुम्हें कुछ पूछने का हक नहीं। खामोश। पत्नी पति की गैर मौजूदगी में बच्चा पैदा करे तो क्या पति चुप रहेगा, दुनिया चुप रहेगी? मैंने अपनी जिंदगी में कई कवारी लड़कियों को बर्बाद किया, लेकिन ऐसी लड़की को छुआ तक नहीं जो पहले से ही बर्बाद हो, और ऐसी ही लड़की मेरे घर में पत्नी बनकर आए तो क्या मैं चुप रहूं? बोलो ये पाप तुमने किसके लिए किया? कामेश। आओ राम बाबू, स्वागतम स्वागतम, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। पहले भी आपने एक वकील की हैसियत से मुझे बचाया था, आज जब मुझे एक इंसाफ करने वाले की जरूरत आन पड़ी तो तुमने एंट्री मारी। अब एक मसले का हल करो, जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मुझे किसी खास काम से जेल जाना पड़ा, और 7 साल जेल में आराम करने के बाद जब मैं लौट कर आया, ये जो मेरी बीवी
सात साल तक बेवा की शक्ल में थी, तीन फुट का लौंडा खड़ा करके बोलती है कि वो उसका बेटा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अब तुम इंसाफ करो। राम बाबू, ये पति पत्नी का जाती मामला है, आप कृपा करके इसमें दखल ना दे तो बेहतर होगा। प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। चुप है, क्यों जाए? ये मेरे वकील है, मेरी तरफ से तुमसे सवाल पूछेंगे। जहां तक इनकी फीस का सवाल है, वो मैं तुम्हारी पगार मिलता इनको दे दूंगा। वकील साहब, पूरी तरह छानबीन करना। सुश्री पूरी बोतल लगाई थी, सब की सब उतर गई। अब मैं जरा लगा के आता हूँ, तब तक तुम लग रहे हो। आओ, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात चिच 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 ओ बात चिच 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 ओ बात। अरे आया, तू आई, मगर आने में इतनी देर क्यों लगाई? तुम्हें मुझे आया कह के पुकारते हो? प्यार से मेरा नाम लेकर पुकारो। अरे तू कहे तो मैं तुझे लैला कह कर पुकारूं। ये भी खींचो ना, जो काम करोगी अधूरा करोगी, खींचो ना, खाइए। लेकिन पहले ये तो बताओ, तुम्हारे वो छह विलन बच्चे कहाँ हैं? मैंने उनको फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह खंभों में बांध दिया है। पहले हम लोग ये रस्सी को चूहे की तरह काट के हम छुप जाएंगे, फिर जाके मम्मी को बुलाएंगे। मेरी लैला, मेरी मजनू। अरे जब मैं तुम्हें छूता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी उंगली बिजली के पलक में लगा दी हो। अरे तुम लड़की नहीं, मोहब्बत का जनरेटर हो। तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। चलो मम्मी को बुला के लाते हैं। तुम्हारी शादी हुई? अभी नहीं। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से हो? देखो पिताजी कब से आया शादी कर रहा है। अजी, तो क्या ये क्या हो रहा है? मैं घर में नहीं हूँ तो सिर उड़ा रहे हो तुम। औरत घर से बाहर क्या गई? बाहर निकल आए तुम्हारे, और तू बड़ी शरीफ दादी बनती है कुतिया, मेरे पति को छीनने आई है। अरे तेरे पति में रखा ही क्या है, मैं जाऊँ तो हजारों की लाइन लग सकती है, ऐसी बात है मुझमें? अरे तो जाना लगाना लाइन मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी है? चुटिया काट कर। अरे मेरी ना तो चुटिया का कटेगी, अपने पति को काट, उसे तो हर वक्त प्यार का बुखार चढ़ा रहता है। अरे इनका बुखार तो मैं उतारूंगी, चल बाहर। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम क्यों उठी? तुमको बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। अरे भाभी, अगर मैं बिस्तर से नहीं उठती तो मेरे बिस्तर में न जाने क्या क्या हो जाता। याती उस आया के साथ कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। ची ची ची। तुम आत्माराम का नाम रखे शैतान का काम कर रहे हो, तुम नरक में जाओगे। अरे भाभी, ये पाखंडी तो नरक में जाकर भी वहाँ भी किसी आया को ढूंढ के शुरू हो जाएगा, भगवान करेंगे। क्या भाभी, अरे तुम खड़े खड़े मुंह क्या कर रही हो? जाके डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया, आया। देखो भाभी, ये देखो अभी भी आया को बुला रहा है इनका सत्यानाश। आई हूँ जम्मू रे आगर का की इच्छा हो रही है, जाके बीड़ी लाओ, जाओ बीड़ी वाले। आओ, आपका नाम क्या है? राम। आपका? जानकी। ओम मोरवा तत्व। आओ, तो राम बाबू जानकी देवी का पति है, यानी कि मेरा साड़ू है। जब एक साड़ू माल वाला है तो दूसरा साड़ू उसके माल पर झाड़ू फिरा सकता है। लॉली लॉली था। क्या है? क्या है? अरे मेरे गुल के कुलचे, तुम मेरी कमाऊ पत्नी हो, मेरी दारू खत्म हो गई, मुझे पैसा चाहिए। महीने के आखिरी दिन है, मेरे पास पैसा नहीं है। आओ, तो क्या हुआ? तुम्हारी बहना के पास बहुत सारा रुपया है। बहन? उसे मांग के लाओ। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी बहन? आओ, मुझे और कैसे, मुझे सब कुछ मालूम है। मैं कोई मामूली बदमाश थोड़ा ही हूँ, कई बार जेल में गया हूँ और कई बार जेल से बाहर आया हूँ। काम के लोगों की खबर रखना यही मेरा काम है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी बहना यही है, उसका पति वकील है और बहुत पैसे वाला है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी बहना के पास जाओ और मेरे लिए पैसा लेकर आओ। नहीं। आओ, तुम जाती हो या मैं जाऊं तुम्हारी बहना के पास? नहीं, मेरी बहन को पता भी मत चलने देना कि
कि मैं यहाँ हूँ भगवान के लिए, तुम वहां मत जाना। क्यों? ओ, ओ, आओ। राम बाबू को मालूम है कि ललिता यहाँ है, लेकिन इसकी बहना को नहीं मालूम होना चाहिए कि ललिता यहाँ है। लेकिन क्यों? ओ, ओ, आओ। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी इन बेहुदा बातों पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। आओ। जानकी देवी, तुम अपने पति को इस कलयुग में राम का अवतार समझती हो और उस अवतार की राम की तरह पूजा भी करती हो। मैं भी अपनी पत्नी को देवी समझता हूँ और उस देवी का मंदिर यानी के उसका घर यही है इसी शहर में, आपको नहीं मालूम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कैसे मालूम कि मेरी बहन ललिता इसी शहर में है? इनसे मिलती है और मुझसे नहीं मिलना चाहती? तुम झूठ बोलते हो। हा? चले जाओ यहाँ से। नहीं, अपनी आंखों से देखोगी तब तो विश्वास हो जाएगा ना। तो चलो मेरे घर और अपनी आंखों से देख लो कि तुम्हारे देवता राम और मेरी देवी ललिता का मधुर मिलन हो रहा है कि नहीं। चलो मेरे साथ।